सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग, आई होप एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है संडे और मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है राइडिंग के रिगार्डिंग। तो बहुत जल्दी जो मैं ट्रिप करने वाला हूँ केदारनाथ और बद्रीनाथ की, तो उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारा सामान चाहिए था। तो पैनियर, बैग्स वगैरह, हेलमेट वगैरह, सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट ले ली थी। सिर्फ एक चीज़ बाकी रही थी जो कि मेरे राइडिंग शूज़ थे। अब राइडिंग शूज़ के लिए क्या था कि जो नॉर्मल अपन राइडिंग शूज़ लेंगे, प्रॉपर राइडिंग शूज़, उसका जो बजट था वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये फॉर राइडिंग शूज़। तो मुझे अभी इतना खर्चा करना नहीं था, तो उसके कुछ अल्टरनेटिव थे जो मैंने देखे थे। तो आज मैंने दो शूज़ मंगवाए हैं जो थोड़े हाई है, तो अभी देखते हैं कि कैसे जचते हैं पैरों पर और राइडिंग में कितना कम्फर्ट अपन को देते हैं। तो कल मैं गया था स्टोर पे, बाइक का जो स्टोर होता है जहाँ पे बाइक की एक्सेसरीज वगैरह मिलती है, तो वहाँ पे मैंने राइडिंग शूज़ देखे थे। तो मैंने शूज़ पहने, उसके बाद मुझे लगा लाइक पैर इतना ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है ना कि क्या ही बताऊँ, कि आप चल नहीं सकते उसको पहनने के बाद। मतलब नॉर्मल 2-4 स्टेप चल सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आपको थोड़ा दूर जाना है या फिर कुछ भी है, तो आपको कुछ शूज़ चेंज करने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली उसको पहन के और फिर सारे काम नहीं कर सकते हो, तो वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है उसके अंदर। तो मैं देख रहा था कोई ऐसा शूज़ अपन चूज़ करते हैं जो अपन राइडिंग भी कर लेंगे उससे, और प्रॉपर उसके बाद फिर अगर अपन को घूमना भी है थोड़ा छोटा मोटा तो अपन घूम भी लेंगे। अदरवाइज़ अगर अपन लाइक अपन कहीं रुकते हैं होटल में, उसके बाद अपन कहीं घूमने जाते हैं, देन वी कैन चेंज द शूज़ एंड वी कैन गो। तो उस केस में हम स्नीकर्स पहन सकते हैं, बट अगर हमें डायरेक्ट बाइक से उतरना है, हमें कुछ काम करना है, कुछ चीज़ के लिए इधर उधर जाना है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अपन एक ट्राई करते हैं, एक बार एटलीस्ट शूज़ मंगवाते हैं एंड देन उसको ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो रख लूँगा, अदरवाइज इसको रिटर्न कर दूँगा। तो ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया। अब इनके पीछे क्या स्टोरी है कि मैंने मंगवाए क्यों शूज़, तो गाइस सबसे पहली चीज़, अगर हम स्नीकर्स पहन के राइड करते हैं तो जो हमारा पैर का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, स्नीकर्स यहाँ से नीचे ही रहते हैं, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा ये हमेशा डेंजर में रहेगा। अगर आप गिर जाते हो, बाइक के नीचे पैर दब जाता है, तो सारे केसेस में ये डायरेक्ट इस पर इम्पैक्ट होगा। बट अगर हाई वाले अपन शूज़ पहनते हैं थोड़े भी, तो उसके अंदर आपके डायरेक्ट पैर पे इम्पैक्ट नहीं होगा, पैर थोड़ा सेफ रहेगा। तो राइडिंग शूज़ पे जाना लाइक जो चॉइस है वो तो वही होनी चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर राइडिंग शूज़ है बहुत महंगे आते हैं, तो फिर अल्टरनेटिव। तो दो शूज़ मंगवाए, तो वन बाय वन अपन की अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं एक बार पहन के ट्राई करूँगा, एंड उसके बाद आपको जो इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नीचे जब आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी सिर्फ इन शूज़ के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये बाय करने हो तो यू कैन गो फॉर इट। बाकी अभी देखते हैं कैसा कम्फर्ट रहता है और दोनों में से कौन सा मैं रखने वाला हूँ, बिकॉज मैं एक ही रखूँगा अभी, उसके बाद आई विल राइड एंड देन आप फ्यूचर में देखते हैं कि अगर चाहिए होगा तो दूसरा, अदरवाइज एक ही काफ़ी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई स्टार्ट करते हैं, बस बॉक्स में ओपन कर लेता हूँ। दिस इज द फर्स्ट बॉक्स और दिस इज द सेकेंड बॉक्स। तो गाइस ये जो ब्रांड है ये है EEGO इटली, तो EEGO पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ नाम है इसका, बड़ा अजीब सा नाम है। तो ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया है, अभी वन बाय वन अपन चेक करते हैं कैसे हम चूज, और प्राइस वगैरह जो है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं इनको खोल लेता हूँ। तो मेरा जो साइज है वो 6 है, तो कैमरा में थोड़ा कर लेता हूँ ऊपर। ओके, सो ये 6 साइज के हैं और अपन इसको करते हैं ऊपर। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट शू जो मैंने मंगवाया है। तो ये है कंप्लीट ब्लैक में, और इसकी जो कुशनिंग है ये आप देखो, ये फ्रंट में कुशनिंग है, ये बैक में कुशनिंग है, ये साइड में कुशनिंग है, मतलब इसमें चारों तरफ कुशनिंग है। जो नॉर्मल एक कुशनिंग की लेयर आती है वो तो है, उसके अलावा पीछे एक और कुशनिंग अलग से है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं, एक पैर में ये पहनता हूँ और एक पैर में दूसरा वाला शूज़ पहनूंगा, तो फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक है।
जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा शूज़ है, एंड इफ यू कैन सी बहुत अच्छे से फिट हो गया है पैर में, और जो मतलब प्रॉपर मेरे ही साइज़ का है, तो इसको थोड़ा अपन यहाँ से टाइट भी करने, ये तो डिज़ाइन है सिर्फ, ओके दिस इज़ द डिज़ाइन ओनली, तो यहाँ से आप टाइट नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये वाला सेक्शन है जहाँ से आप टाइट वगैरह टाइट और लूज़ कर सकते हो, बट हाँ ठीक है, नॉर्मल शूज़ के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो अभी दूसरा वाला बॉक्स भी ओपन करते हैं, एंड देन दोनों शूज़ मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ पहनने के बाद कैसे लगते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड शू, दिस इज़ द सेकंड शू, तो ये प्रॉपर राइडिंग जैसा लगता है शूज़, बिकॉज ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसमें इस पर बात ही, इसके बाद इसको पहन के ट्राई करते हैं, इसके कंपेरिजन में मुझे फीलिंग में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, तो लेट्स सी पहनने के बाद कैसा फील होता है। ओके सो लेट मी शो यू हाउ इट इज लुकिंग, सो इसको नीचे करने दीजिए, सो दिस इज़ द ब्लैक वन, दिस इज़ द वाइट वन। सो अभी जो मैं सच कहूँ तो अगर मैं थोड़ा चलता हूँ तो जो प्रॉपर राइडिंग वाली जो फील है वो इस वाले शूज़ में ज़्यादा है, इसमें इतनी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसका जो ऊपर वाला जो मैटर है ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बट इसका जो मैटर है ना ये थोड़ा हार्ड है, और जो राइडिंग शू में जैसा फीलिंग आता है ना वैसा फीलिंग इसमें प्रॉपरली आ रहा है, ठीक है। बट आप इसको सिर्फ राइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप नॉर्मल यूज़ भी कर सकते हो अगर रेगुलर आपको पहनना है। तो दोनों को चलने पे ओके, सो दिस वन इज़ लिटिल हार्ड, दिस वन इज़ मोर सॉफ्ट, तो इसका जो कुशनिंग है नीचे का भी, पैर के नीचे का भी, वो भी ज़्यादा सॉफ्ट है, बट ये थोड़ा हार्ड है, ये चारों तरफ से हार्ड है थोड़ा, तो राइडिंग में ऐसे शू ही आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्टर आपको सेफ रखता है, लाइक पीछे से अगर कोई व्हीकल आता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ आगे कोई जा रहा है, तो ऐसा कुछ है। बोथ द शूज, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, अब आपको कौन सा पसंद है ज़रूर कमेंट से ज़रूर बताना, बाकी फिर मैं भी देखता हूँ कौन सा मुझे रखना है कौन सा नहीं रखना है। दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज़ मोर गुड, लाइक दिस इज मच कम्फर्टेबल, मच कूल एंड फील्स मच सेफर। तो गाइस यही था इस वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इन शूज़ के बारे में मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा कि मैंने कौन सा शूज़ रखा है, या फिर ये दोनों नहीं रखे हैं कोई और शूज़ मंगवाया है तो वो मैं डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, और कुछ भी आपको डिटेल चाहिए हो तो लेट मी नो इन कमेंट्स, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, कैसे लगे आपको ज़रूर बताना, और हाँ गाइज मैं प्राइस बताना भूल गया, जो दोनों शूज़ की प्राइस है वो 1700, तो दोनों की प्राइस इक्वल है, बट दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जब मैंने बाय करने की सोची थी तब मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ है। 1700 रुपये में कोई बुरा शूज़ नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छे शूज़ हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शूज़ रखना है और कौन सा वापस करना है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, बाय।